हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैंने व्लॉग की शुरुआत सुबह से की है और अभी बज रहे हैं शायद 7:45 या 8, और मेरे किचन के थोड़ी बहुत काम हो चुके थे तो मैंने सोचा कि अभी गर्मियाँ स्टार्ट है ना, तो फिर दोपहर के मतलब कि 11-12 बजे के बाद तो आप ऐसे धूप में तो काम कर नहीं सकते, तो मैंने सोचा कि थोड़े बहुत काम हो चुके हैं और जो मेरे बाहर के काम है पहले वो मैं कर लेती हूँ। तो ये देखो, ये ना फूलों का ही झाड़ है, मतलब कि इसमें बहुत सारी ऐसे टहनियाँ हो गई थी तो ऐसे बिखरा बिखरा अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि इसको कटिंग कर दूँ और उसके बाद जो बाहर इतना सारा कचरा हो गया है तो मैं पहले बाहर झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद सुबह का जो नाश्ता बनाना है, चाय रोटी ये सब, आधा काम मेरा किचन का हो गया है, आधा बाकी है। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह ये बाहर का काम मैं फिनिश कर देती हूँ, नहीं तो फिर शाम का वेट करना पड़ेगा कि कब थोड़ा सा ठंडा मौसम हो उसके बाद काम हो। और पौधों में मुझे रोज़ थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है, उनकी भी केयर मुझे करनी पड़ती है, जैसे हम बच्चे की केयर करते हैं वैसे ही पौधे की केयर करनी पड़ती है। और अभी धूप है तो कुछ ज़्यादा ही उनका ध्यान रखना पड़ता है, वैसे तो हर एक मौसम में उनका ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी धूप में मुरझा सड़ जाते हैं, इसके लिए पानी का और सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद जो बहुत सारा तो नहीं, थोड़ा बहुत कचरा हो गया है वो मैं साफ़ कर लूँगी। और सुबह सुबह का मौसम इतना अच्छा लगता है, और देखो ये चिड़िया का घर लगाया है, उसमें ये चिड़िया बैठ के ऐसे चें चें कर रही है और ऐसे आवाज़ सुनते हैं चिड़ियों का और पंछियों का, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ से मैं पहले कर लेती हूँ सफाई, सफाई करने के बाद ये जो पत्तियाँ हैं वो मैं बाहर की साइड डाल दूँगी तो गाय वाय खा लेगी, और जो बाकी का जो कचरा है वो मैं डस्टबिन ऐसे बनाया है उसमें मैं डाल दूँगी, क्योंकि कचरा को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए हमें। और ये कचरा मैं समेट लूँगी, उसके बाद जो किचन के काम है वो मैं करना स्टार्ट कर दूँगी। और अभी गर्मियाँ हैं तो सारे काम करना भी कितना मुश्किल हो रहा है, किचन के काम या कुछ भी काम बोल लो इतना मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्या करें, काम तो करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ हाल है गर्मियों में। और सुबह सुबह का यहाँ का मौसम इतना अच्छा लगता है, बाहर निकलते तो ऐसे देखो धूप में ये गुलाब की पत्तियाँ झल गई हैं, और ऐसे कितना अच्छा लगता है, फूलों को सुबह सुबह देखते हैं, चिड़ियों का आवाज़ सुनाई देता है तो हमें बहुत ऐसे सुकून मिलता है और अच्छा लगता है। मेरे यहाँ तो बहुत सारे झाड़ ये सब हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं पहले कर रही हूँ अनिल की टिफ़िन की तैयारियाँ, मतलब कि टिफ़िन पैक करना है तो पहले मैं वो सारी जो चीज़ें हैं वो करना स्टार्ट कर दूँगी, ताकि उनको जब जाना हो तो टिफ़िन रेडी हो। तो इसके लिए पहले मैं टिफ़िन की तैयारियाँ मतलब कि पैकिंग की तैयारी कर लूँगी। सब्ज़ी बन चुकी है, रोटियाँ बनानी हैं, और ये मैं बटर मिल्क बना रही हूँ टिफ़िन के लिए। तो इसमें ना मैं बर्फ़ बहुत ज़्यादा डाल दूँगी, पानी कम डालूँगी, ऐसे ही जो दही है उसको ही ऐसे क्या तोड़ दिया है दही को, अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलूँ, तो ऐसे करके फिर मैं इसमें बर्फ़ डाल लूँगी ताकि ना दोपहर तक ठंडी रहे, नहीं तो क्या होगा धूप की वजह से ये ज़्यादा खट्टी हो सकती है। इसके लिए मैं छाछ में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ डाल दूँगी और फिर मैं थोड़ा सा ही ठंडा पानी डालूँगी, और ताकि दोपहर तक ये ठंडी रहे और खट्टी ना हो ज़्यादा। इसके लिए टिफ़िन पैक करना है, उसके बाद मुझे रोटियां बनानी हैं, और मैं कोशिश करती हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जल्दी काम सारे निपटा लूँ, ताकि मुझे वीडियो का भी काम रहता है, एडिटिंग का काम रहता है,
रील्स बनाती हूँ, सिलाई करती हूँ, अगर इसके बीच में कोई आईब्रो वाली आ जाती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम निकल जाता है, या घर से कॉल आ जाता है या किसी का फ्रेंड का कॉल आ जाता है तो इसमें भी बहुत सारा टाइम निकल जाता है। तो मेरा इतना बिजी दिन जाते हैं सब, मतलब कि रोज़ के मेरे बिजी इतने दिन जाते हैं कि अपने लिए टाइम मैं रात को ही निकाल पाती हूँ। मतलब कि अपने लिए कुछ भी करना होता है तो रात को ही मैं अपने लिए कुछ सोच पाती हूँ। तो अब मैं रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दूँगी। पहले मैं टिफ़िन के लिए रोटी बनाऊँगी ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाएँ। ऐसे गरम गरम रोटी अगर टिफ़िन में डालते हैं तो कैसी हो जाती हैं, तो इसके लिए मैं पहले टिफ़िन के लिए रोटी बना लूँगी। और हम सुबह सुबह रोटी और चाय खाते हैं, कभी कभी कुछ नाश्ता खा लेते हैं, लेकिन मिनिमम रोज़ ऐसे चाय और रोटी होती है। कभी कभार परोठा हो जाता है या फिर कुछ अलग ऐसा डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ और साइड में मैं चाय बनाने के लिए भी रखती है ताकि हमारे काम कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। और मैं यही कोशिश करती हूँ एक साथ दो तीन चार काम करना, क्योंकि जल्दी काम हो जाएंगे हमारे तो जल्दी फ्री हो जाऊँगी और जल्दी मतलब कि सिलाई करने बैठ पाऊँगी और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाऊँगी। तो ऐसे ही कोशिश करती हूँ, तीन चार काम साथ में करती हूँ। तो ये देखो रोटियाँ बन गई हैं और मेरी सब्ज़ी भी बन गई है और मैंने दोपहर का खाना भी अपना बना दिया है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ टिफ़िन को पैक, और टिफ़िन पैक करने के बाद मैं और अनिल हम दोनों कर लेंगे चाय नाश्ता। और उनको भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, एक तो वो जल्दी जल्दी उठते नहीं हैं और सुबह कितना भाग दौड़ होता है ना। आपके लाइफ में भी ऐसा होता है क्या, सुबह सुबह का भाग दौड़, ये काम करो वो काम करो, और सुबह के काम ऐसे होते हैं कि जितने भी करो उतने कम हैं, मतलब कि इतना ट्रेन की तरह भागना पड़ता है सुबह सुबह। और यहाँ पे मैं अब साइड में डाल रही हूँ कपड़े धोने के लिए ताकि कपड़े मेरे धुलते रहेंगे, तब तक जो डस्टिंग है, बर्तन है, ये वो जो एक्स्ट्रा काम रहता है वो साथ साथ होता रहता है। साइड में कपड़े धोने के लिए डाल दूँगी। और वॉशिंग मशीन आ गया है तो मेरा थोड़ा सा काम भी आसान हो गया है, नहीं तो हाथ से धोने में कितना टाइम लग जाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पहले अपने कपड़े धोने के लिए डाल दूँगी। और मैं रोज़ कपड़े नहीं धोती, एक दिन छोड़ के कपड़े धोती हूँ, क्योंकि हम दो लोगों के इतने कपड़े होते नहीं हैं, फिर इसके लिए मैं एक दिन छोड़ के ऐसे कपड़े धोती हूँ। तो यहाँ पर मैं कपड़े धोने के बाद जो डस्टिंग है, घर के काम हैं, वो सारे करना स्टार्ट कर दूँगी। और मैंने सिलाई का भी सामान निकाल के रखा है, मेरी सिलाई भी है जो मुझे ऑर्डर के कपड़े पूरे करके देने हैं, तो कटिंग भी करनी है और बहुत सारे काम हैं, लेकिन देखते हैं कहाँ तक मैं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी थक भी गई हूँ थोड़ी सी, क्योंकि रात को मूवी देखने गए थे तो वापस आते आते साढ़े बारह एक के आसपास टाइम हो गया था, और सोते सोते तो कितना लेट हो गया था। तो और इसके अगले वाले दिन हम मेले में गए थे, तो ऐसा कुछ है। तो मैं ये कपड़े छांट छांट के डाल रही हूँ ताकि अनिल के कुछ भी चीज़ें रहती हैं जेब में तो ऐसे धुलने के लिए चले जाती है, तो फिर काम तमाम हो जाता है उन चीज़ों का। तो इसके लिए अब ये कपड़े मेरे धुल रहे हैं। तो दोपहर से सीधा शाम हो गई, मतलब कि तो खाना तो सुबह ही मैंने बना दिया था, और टिफ़िन के साथ साथ और भी सारे काम किए, कपड़े धोने डाले, झाड़ू कचरा ये सब करते करते 2 बज गए। और मैं इतनी थक गई थी कि खाना खाया और वीडियो एडिटिंग करने के लिए बैठ गई, और एडिटिंग करते करते मुझे नींद आ गई, और इतनी थकान थी इसकी वजह से नींद आई, क्योंकि परसों मेला था तो मेले में गई थी, फिर कल हम मूवी देखने के लिए गए थे, इसकी वजह से मैं ज़्यादा थक गई थी। तो नींद आ गई थोड़ी सी, 1 घंटे जैसी नींद की कर ली मैंने, फिर फटाक से उठी तो देखा 4:45 बज रहे थे,
तो मेरा एडिटिंग का काम हो गया था, अपलोडिंग का भी काम हो गया था वीडियो का। ऐसे अपलोड करने के लिए रखा और ऐसे देख रही थी कितना अपलोड हुआ 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 और ऐसे आँख लग गई मेरी। और फिर उठी तो देखा तो 5:45 बज रहे थे। फिर जल्दी से मैंने थंबनेल बनाया, फिर टाइटल लिखा और इतने सारे काम रहते हैं ना वीडियो के, तो वो सारे किए। और फिर फ्रेश हुई, नहाने चली गई। ऐसे सो के उठते हैं तो कैसी आलस आलस सी होती है, तो बस नहा के आके यहाँ पे बैठ गई। अब ये मुझे कपड़े उतारने हैं और उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। और सिलाई का सामान भी मैंने निकाल के रखा था कि कटिंग करूँगी, लेकिन ऐसे कैसे पड़ा है, तो मैं कटिंग करूँगी। और शाम को यहाँ बैठ के मैं यहाँ बैठ के चाय पीती हूँ। चाय अभी बनी नहीं है, अब बनाऊँगी। और वहाँ सामने ना चिड़ियाँ आती हैं, तो मैं उनको देखती हूँ और यहाँ बैठती हूँ और चाय पीती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, अब भी जो माहौल है ना वैसा माहौल मुझे अच्छा लगता है। देखो आ गई चिड़ियाँ, तो ऐसे चिड़ियाँ आती हैं वहाँ और इतना शोर मचाती हैं, हल्ला मचाती हैं, खेलती हैं, तो अच्छा लगता है। तो चलो मैं पहले ये कपड़े उतार लूँ सारे और उसके बाद हम चाय बनाते हैं। सारे मैंने कपड़े आज धोए, क्योंकि 2 दिन के कपड़े मेरे रह गए थे, नहीं धुले थे। और मैं मेले से क्या लेके आई आपको दिखाऊं, तो मैं अपने लिए तो क्या लिए, मतलब कि एयरिंग बुट्टी लिए हैं, और घर के लिए कुछ ये सामान लिया है, ये तोरण लिया है, कुछ इस तरह से है। मुझे देखा तो मुझे बहुत पसंद आ गया, तो मैंने ये ले लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको है ना नीचे रख के फिर दिखाती हूँ। और एक भी लिया है जो मैं आपको दिखाऊंगी, वो कच्छ वर्क में है। और पंखा नहीं चल रहा तो इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि ब्लॉगिंग करना मुश्किल हो जाता है इतनी गर्मी में। तो ये है दूसरा वाला जो मैंने देखा और मुझे पसंद आ गया, तो मैंने अनिल को बोला कि मुझे ये चाहिए, तो अनिल बोले ठीक है ले लो। मतलब कि जब दिवाली होती है, कुछ फेस्टिवल होता है या कुछ ऐसा होता है तो हम घर में लगाते हैं, तो वैसे भी घर को हम मैं थोड़ा थोड़ा पंखा कर रही हूँ, आपको थोड़ा सा पंखे का थोड़ा सा आवाज़ सुनाई देगा, लेकिन क्या करूँ गर्मी में मेरे से रहा नहीं जाता। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ कि कुछ भी फेस्टिवल होता है या फेस्टिवल नहीं भी होता, फिर भी हम अपने घर को सजा के रखते हैं तो हमारा घर कितना अच्छा लगता है। और ऐसे मेरे घर आते हैं ना मेरी फ्रेंड या कुछ भी, मतलब कि कोई भी मेहमान या ये सब आते हैं, तो बोलते हैं कि आप अपने घर को कितना नीट एंड क्लीन रखते हो, इतना सजा के रखते हो। हाँ मैं थक बहुत जाती हूँ, लेकिन जब तक मेरा काम नहीं होता तब तक मुझे चैन भी नहीं मिलता। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर को इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है कि पूछो मत। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ कि जब तक सफाई नहीं होती घर की तब तक मुझे भी चैन नहीं मिलता। तो कुछ ऐसा होता है, हाँ कभी कभार जब मुझे ऐसा होता है कि नहीं आज मुझे इतना कुछ नहीं करना, तो जो बेसिक होता है काम, मतलब खाना बनाना और कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, तो तब मैं ब्रेक भी ले लेती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं ऐसे लगी ही रहती हूँ काम में। मैं जब भी मेरा मन होता है कि आज मुझे कुछ भी नहीं करना, तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ।
और सब काम में ब्रेक ले लेती हूँ। सिलाई हो, कुछ भी काम हो, चाहे मुझे बड़े से बड़ा ऑर्डर क्यों ना मिल रहा हो, फिर भी मैं ऐसा होता है इनकी, नहीं मुझे नहीं करना, मुझे ब्रेक लेना है, तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ। और जब मुझे काम करना होता है तो मैं ऐसे लगी रहती हूँ, तो मुझे काम करना अच्छा भी लगता है। और सब मुझे बोलते भी है कि इतना काम करके क्या क्या करोगी, इतना काम करके इतना कमा के कहाँ रखोगी। कमाने का नहीं होता है, काम का मतलब कि अंदर का जुनून होता है, एक काम करने का भी एक जुनून होता है कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और किसी किसी को अच्छा लगता है इतना सारा काम करना, ऐसा नहीं होता कि उसको कमाना है इसके लिए ही इतना सारा काम कर रही है। तो मुझे ऐसा बोला जाता है कि तू इतना सारा काम करती है इसकी वजह से ये वो, इतना सुनना भी मिलता है। कोई, मैं ये सोचती हूँ कि काम करो तो भी प्रॉब्लम, काम ना करो फिर भी प्रॉब्लम। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें यहाँ पे लग जाती है, कोई बोलता है तो ऐसे मुंह पे बोलते हैं मुझे, इतना काम करके कमा के क्या हासिल करना चाहती है। तो मैं उन सबको बोल रही हूँ मेरे वीडियो के थ्रू कि काम करना एक जुनून होता है किसी किसी को, तो ऐसा कुछ है मेरा और मुझे काम करना अच्छा लगता है। तो ये मेरी कुछ शॉपिंग थी, और रात को, कल रात को हम मूवी देखने के लिए गए थे तो कल रात को भी लेट हो गया था, और इसकी वजह से आज थोड़ी सी मैंने नींद ले ली। मतलब कि मैंने बोला नहीं कि मुझे ब्रेक लेना होता है, तो चाहे कितने भी काम हो मैं ब्रेक ले लेती हूँ, नहीं तो मेरी सिलाई इतनी पड़ी है कि 2 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं है। फिर भी मैं सारे काम हैंडल करती हूँ, एडिटिंग का है, किचन का है, घर की साफ़ सफाई है, मेरे पौधे हैं, मतलब कि 1 घंटा 2 घंटा रोज़ मेरे पौधों को लगता है, फिर घर की साफ़ सफाई है, सिलाई है, उसके बीच में सिलाई वालों का मतलब कि आईब्रो वाली या ये सब आती हैं, फिर घर के सारे सेटिंग करना और अपने आप को थोड़ा सा देखना, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना, फिर मैं इंस्टा पे रील्स बनाती हूँ तो उसके लिए 2-4 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट इंस्टा पे लगा लेना। मैं रील कम देखती हूँ, बनाती बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता जो मैं इंस्टा पे रील्स देख देख के टाइम पास कर लूँ। 5 मिनट देखती हूँ, मतलब कि देखती हूँ कौन सी रील अच्छी है, कौन ट्रेंडिंग में है, तो ऐसे देखती हूँ। बाकी वो टाइम पास वाला जो होता है ना कि हम देखते हैं चलो अभी फ्री हैं तो देखें, तो ऐसा कभी कभार रात को या फिर जब फ्री होती हूँ तो देखती हूँ। रोज़ तो मैं व्हाट्सएप पे जो स्टोरियाँ हो मतलब कि स्टेटस होते हैं वो भी मैं पूरे नहीं देख पाती, व्हाट्सएप पे इतने मेरे कांटेक्ट भी नहीं हैं फिर भी मैं नहीं देख पाती। तो कुछ मेरा ऐसा है, बिज़ी 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 रहती हूँ मैं, और मुझे बिज़ी रहना अच्छा लगता है। मतलब कि हम जितना बिज़ी रहते हैं उतना हमारा माइंड भी सेट रहता है, नहीं तो ऐसे खाली दिमाग शैतान का घर बन जाता है। तो चलो मैं इसको रखती हूँ, और ये कपड़े मैं बाद में फोल्ड करूँगी, तो पहले मैं सिलाई की कटिंग करने लग जाती हूँ, जो आधा मेरा बिखरा पड़ा है सामान तो सुबह से मैंने रख के रखा है, और इसको जब मैं ये कपड़े फोल्ड करूँगी तब ये फोल्ड करके रखूँगी। सॉरी मैंने आपको दिखाया नहीं, ऐसे भी बिछा के मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है ये। देखो ये 2 लिए हैं मैंने जो मुझे बहुत अच्छे लगे, और मैंने अपने लिए इतना कुछ भी सामान नहीं लिया, बस ऐसे ऑक्सोडाइज के बुट्टी लिए हैं जो मैंने रख दिए हैं, वो फिर कभी मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। और वो इतने सारे मेरे कपड़े पड़े हैं जो मुझे प्रेस करने हैं, तो इतना सारा मेरा काम पड़ा है, 1 घंटे का आराम मुझे भारी पड़ गया। तो चलो मैं जल्दी जल्दी से कटिंग करने बैठ रही हूँ, और क्या बताऊँ,
ब्लाउज़ों की कटिंग कर ली। तो ये रखे हैं यहाँ पे ब्लाउज़, इन तीन ब्लाउज़ की कटिंग कर ली। और ये एक वाला ड्रेस कटिंग किया है, उसके ऊपर मुझे वो दूसरा बड़ा है वो कट करना है। और मैं थोड़ा सा दुकान पे चली गई थी, थोड़ी सी सब्ज़ी और कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी वो लेने चली गई थी। और आई जस्ट मैं बैठी हूँ, और इस ब्लॉग को भी मैं यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग भी सुबह से मैंने स्टार्ट करके रखा है, दोपहर को थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। अब मुझे बनाना है खाना, और मैं आज बहुत ज़्यादा ऐसे मुझे थकान जैसा फील हो रहा है, और ये ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।